पेंशन भोगियों, आज दिनांक 31 अगस्त 2023 और थर्सडे के दिन पेंशन धारक और पेंशन भोगी जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों को आ गई पेंशन। पेंशन का इंतजार काफी हमारे पेंशन भोगी कर रहे थे जो उनको आज के दिन क्रेडिट होना शुरू हो गया है। हम बताएंगे आपको हर एक सीपीपीसी बैंक जितने भी हैं सीपीपीसी बैंक सब आज क्रेडिट कर देंगे। शाम 6-7 बजे तक आपको अपना एरियर भी आ सकता है ORP 2 का। चलिए आज के सैनिक खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें आज दिनांक 31 है, सैनिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक समाज हमारे जितने भी मिलिट्री वेटर सबको राम राम। जी हाँ, 31 अगस्त को देख सकते हैं यहाँ पे एक पेंशनर है जिन्होंने साझा किया कि उनका एरियर आ गया है। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि कोई भी फोन में अननोन कोई भी आपके जान पहचान जिनका नहीं है अगर आपसे स्पर्श आईडी पासवर्ड मांगता है तो कृपया करके ना दें, ध्यान रखें इन सब बातों का। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन आया, ऑल दोज हु रिसीव मैसेज फ्रॉम द बैंक ऑफ देयर पेंशन अकाउंट माइग्रेटेड इन स्पर्स प्लीज वेट टू रिसीव योर यूजर आईडी पासवर्ड फ्रॉम स्पर्स एंड फॉलो दिस प्रोसीड। जो भी है प्रोसेस उसको प्रोसीड को फॉलो कीजिए और अपना माइग्रेट हो जाइए जो भी उसमें कह रहा है। अगर आपको मैसेज आया है तो एक अलर्ट का भी मैसेज आ रहा है, एज पर सिस्टम रिकॉर्ड यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ प्री 2016 पेंशनर एंड योर स्पर्स अकाउंट हैज लिमिटेड एक्सेस सर्विस इंक्लूडिंग प्रोफाइल अपडेट DOB डेट ऑफ बर्थ फैमिली पेंशन बैंक डिटेल एक्स्ट्रा हैव बीन डिसेबल्ड फॉर योर अकाउंट अंटिल फर्दर नोटिस इंटीमेशन शैल बी मेड वाया SMS मेल वंस मेल एंड मेल वंस देयर सर्विस आर इनेबल। तो ये सब न्यूज़ निकल के आ रही है। और हाँ, आज है रक्षाबंधन का त्यौहार, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की भी बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं सभी भूतपूर्व सैनिकों को पावन इस पावन अवसर पर रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जस्ट नाउ CPPC बैंक्स जितने भी हैं CPPC यूनियन बैंक्स ऑफ इंडिया इज क्रेडिट पेंशन ऑफ अगस्त 2023, मतलब अगस्त की जो पैसे हैं वो आपकी क्रेडिट हो रही है, तो आप ध्यान रखें। और काफ़ी पेंशनधारक और पेंशन भोगी पूछते हैं MSP के ऊपर, तो 7 तारीख को MSP का सुनवाई है शाम 3 बजे। आप चैनल पे आ जाइएगा, आपको यहाँ पे लाइव अपडेट मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।